लोगों में विज्ञानक जागरूकता की घाट कारण लोग अपनी रोजाना जीवन समस्यावां दे भी सही हल नहीं कर पाते, जिस करके आम लोग बहुत जल्दी अंधविश्वास की दलदल में फस जाते हैं। इन्हां ही लोगों की मानसिक और आर्थिक लुट करने लिए लुटेरे वक् वक् रूप में प्रगट होंदे रहिंदे हन। अजिहा ही अंधविश्वास का एक अड्डा फाजिलका नेड़े इन्हीं दिनी चल रहा है। एक 4 साल के बच्चे पासों सारे किस्म दी बीमारियां दे इलाज कराने लिए लोगों ने इत्थे मेला ला रख्या है। बच्चों के मापिया वालों बच्चे हथियार बना के लोगों की मानसिक और आर्थिक लुट की जा रही है। इसका नोटिस लेंद्या तर्कशील सुसायटी पंजाब इकाई फाजिलका का एक वफद स्थानक सिविल सर्जन डॉक्टर दलेर सिंह मुल्तानी और चाइल्ड डिवेलपमेंट प्रोजैक्ट के प्रोजैक्ट डायरैक्टर मिलिया है। इस अड्डे बंद कराने अंधविश्वास फैला रहे बच्चे के मापिया से मैजिक रेमडीज़ तहत एक्ट तहत कार्रवाई करने की मांग की है। इस संबंधी बोलदिया मीडिया नाल गल करदिया जोन फाजिलका के वित्त मुखी कुलजीत सिंह ने कहा है, पिछले कुछ दिनों तो पंजाब के पिंड अच्छा डिक्की जो कि तहसील अबोर जिला फाजिलका विच है, उत्थे एक 3-4 साल का बच्चा जिसका नाम वरिंदरपाल सिंह, उसके पिता का नाम हिमल सिंह, दादा का नाम जगजीत सिंह है, उन्हां वालों उसनों एक बाल भगवान के रूप के विच पेश किया जा रहा है और वख-वख तरह दीआं गंभीर बीमारियां जिवें कि कैंसर, शुगर अते होर अत्यंत गंभीर बीमारियों के इलाज का जिहड़ा दावा किया जा रहा है। सानू कुछ दिन पहला ही अध्ययन एक्सप्रैस मीडिया तो पता चलिया, धन्यवादी हाँ उन्होंने कि जिन्होंने इस खबर को सब तो पहला नशर किया, इस पखंड के बारे सानू जानकारी दी। असी तर्कशील सुसायटी पंजाब के वलों इस दे खिलाफ जिहड़ी कार्रवाई शुरू की और वख-वख अखबारों ते सोशल मीडिया राही असी 5 लाख का जिहड़ा इनाम उस बच्चे दे लई उस बाबे दे लई रख्या कि साडे वल्लों जिहड़े भी केस है असी उन्हां नूं 10 केस देंगे, जेकर उन्हां दे विच उह 8 केस भी ठीक कर देंदे है तां असी उस नूं 5 लाख रुपए का इनाम देंगे। पर साडे 3 दिनां दे इस चैलेंज तो बाद भी उन्हां दा सानूं कोई भी सुनेहा नहीं पहुंचा है और उत्थे हजारां दी गिणती दे विच भीड़ जिहड़ी इकट्ठी हो रही है, उत्थे कोई भी किसी भी तरीके का प्रबंध नहीं है और गर्मी दे विच लोकां दा जिहड़ा बहुत बुरा हाल है। और असी इस तो अगली जिहड़ी कार्रवाई हैगी है उस दे विच असी जिहड़ा है वख-वख प्रशासनिक अधिकारियों जिवें कि SDM मैडम अबोहर नूं असी अपना मंग पत्र जिहड़ी बेनती है उह ला चुके हैगे आ और इस तों बाद दे विच असी SP अबोहर नूं जिहड़ा उह वी एक अपना बेनती पत्र लाया है और अज असी मानयोग डिप्टी कमिश्नर फाजिलका नूं मिले हाँ, असी उन्हां नूं वी इस संबंध दे विच जानकारी दित्ती है और अधिकारियों नूं कहा गया कि ड्रग्स एंड मैजिक रेमडी एक्ट दे तहत इन्हां दे परिवार दे खिलाफ कार्रवाई की जाए क्योंकि बच्चा जिहड़ा बहुत ही मासूम है, 3-4 साल का है, उसकी सेहत है जिहड़ी लगातार बिगड़ रही है क्योंकि बहुत सारे लोगों जिहड़ा है आशीर्वाद अते हथौड़ा पाउण वास्ते उसनू आम पब्लिक विच लिया जांदा है और बच्चा जिहड़ा है बहुत ही ज़्यादा परेशान है। असी बाल अधिकारां दी रक्षा करन वालियां जिहड़े है संस्थावां उन्हां नू भी बेनती करदे आं कि उह भी अगे आउण तां जो परिवार के खिलाफ कार्रवाई की जा सके और कानूनी कार्रवाई के विच इन्हां नूं जिहड़ा है फसाया जा सके तां जो बच्चे दे अधिकारां दा बाल अधिकारां दा जिहड़ा हनन ना हो सके क्योंकि संविधान की धारा 52A सानू अधिकार दिंदी है कि असी विज्ञानिक चेतना का प्रचार प्रसार करिए और इहो जिहे अंधविश्वासां तों मुक्ति लई काम करिए क्योंकि जिहड़ा इह समुच्चा कारा जिहड़ा परिवार वल्लों कीता जा रिहा है इह गैर विज्ञानिक गैर मनुखी और गैर कानूनी है, इसलिए इस दे खिलाफ जिहड़ी है जरूरी तौर पर बनता है कि कानूनी तौर पर कार्रवाई की जानी चाहिए है। असी लगातार डटे हुए हैं और खास तौर पर अध्ययन एक्सप्रैस मीडिया है इन्हां दे असी धन्नवादी हाँ कि जिन्होंने ये जिहड़ी खबर है साडे तक लियांदी है और बहुत ही वधिया काम जिहड़ा कीता है इन्हां ने, जिस राही जिहड़ा है लोगों की जिहड़ी लुट बच सकेगी और लोगों ने चेतन हो के इस चीज़ तो बचना है। असी बेनती करते हैं कि लोग सियाने हो और अपनी बीमारियों का जिहड़ा इलाज है सही थां ते कराओ, इहनियां थावां ते जाके अपनी मानसिक शरीरक और आर्थिक लुट ना करवाओ। बहुत बहुत अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
और वीडियो को और लोगों तक फैलाने के लिए शेयर जरूर करें। तर्कशील सोच से समंदर और जानकारी के लिए तर्कशील टीवी चैनल सब्सक्राइब करें। इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।